नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह चुनाव अकेले रीवा संसदीय क्षेत्र का नहीं बल्कि समूचे देश की दशा और दिशा को बदलने वाला होगा। इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने आगे कहा कि वर्तमान समय में सभी संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं कर पा रही हैं, संविधान को बदलने का काम किया जा रहा है। इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी की विस्तृत जानकारी दी। वहीं सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने रीवा सांसद पर बयान देते हुए कहा कि अभी तो यह हुआ हुआ बोलेंगे। सिमरिया विधायक ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सांसद ने रीवा क्षेत्र की जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया और ना ही संसद में रीवा के लिए कोई बात रखी। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सांसद ने रीवा की जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया और ना ही संसद में रीवा के लिए कोई बात रखी। उन्होंने कहा कि 10 सालों में सिर्फ भ्रष्टाचार के कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा बेशक कांग्रेस की क्वांटिटी घटी है लेकिन अब क्वालिटी अच्छी है, इसलिए लोकसभा चुनाव कांग्रेस जीतेगी। विधायक ने कहा कि लोकसभा टिकट चाहे जिसे मिले कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। इसलिए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। लेकर बैठक थी, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय का ये कहना है कि पार्टी टिकट किसी को भी दे, हमारा काम शुरू हो जाना चाहिए और हम लोगों ने पंजा चुनाव चिन्ह को जिताने के लिए अपना काम शुरू कर दिया है। रही बात बाकी विषयों की, अभी हम सुन रहे थे, बाकी तो हमारे जिलाध्यक्ष महोदय जी ने आपको सब बता ही दिया। बड़े दुर्भाग्यजनक स्थिति है, देश खतरे में है। असली लड़ाई तो सीजीआई लड़ रही है, चीफ जस्टिस आप सुप्रीम कोर्ट असली लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने इनका सब कुछ खोल दिया, जहाँ जहाँ इन्होंने ईडी की रेट डाली उन्हीं उन्हीं से पैसा लिया। एक तरफ की ईडी की रेड और एक दूसरे तरफ पूरा पैसा लिया। वो चेहरा इनका खुल चुका है। आ जाइए रीवा स्तर पर, तो रीवा स्तर पर सांसद जी सभी जानते हैं 10 वर्ष बहुत होता है, 10 वर्ष में हर चीज़ खुल जाती है। ये रबर स्टाम्प हैं माननीय राजन जी के, और इन्होंने 10 वर्ष पहले बोला था मेरे घर में साइकिल नहीं, मैं ईमानदार हूँ। आज कहाँ से आ गई कोठी दिल्ली में, कहाँ से आ गई इतना घर इतनी संपत्ति। और इनके बेटे कबीर जी द्वारा जिस तरह से 50% में सांसद के 50 करोड़ रुपए को लुटाया गया और 2500 करोड़ रुपए कमाया गया, वो अब सबके सामने है। जनता के काम के लिए पागल बन जाते हैं, कोई कोई करते हैं, लेटिन में हाथ डाल के फ़ोटो खिंचा लेते हैं, फिर गोली खा के सो जाते हैं। 10 वर्ष से रीवा की जनता की केंद्र सरकार में क्या भूमिका है आप ही बताइए। अगर इन्होंने एक प्रश्न लगाया हो, ध्यान आकर्षण लगाया हो, कुछ मांगा हो रीवा के लिए, यहाँ तक कि गोवर्धन योजना भी मांग ली होती ताकि ये जानवर रोग समस्या ख़त्म हो जाती, सब जगह लागू या नहीं लागू तो कुछ संतोष होता है। इन्होंने कोई भी भूमिका अदा नहीं की है। ये हम लोग तो कांग्रेस की इनको वोट दे ही नहीं सकते, भाजपा के भी लोग क्यों वोट देंगे। वो भाजपा का वो कार्यकर्ता जो 25 वर्ष से अपना जीवन खपा दिया, उसका अवसर कब आएगा। इन्हीं को अगर टिकट मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी रीवा जिले में माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है और उन्हीं के इशारे पर एक तरह से सब कुछ हो रहा है और इन्हें टिकट दी जा रही है, तो जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जीवन लगा दिया, उनका नंबर कब आएगा। फिर दूसरी बात यह है कि 10 वर्ष में इन्होंने किया क्या, कुछ भी नहीं किया। आज ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही इनको क्यों वोट दे। अगर ये किसी कार्यकर्ता के दुख सुख में गए हों, शादी में गए हों, मरे जरे में गए हों, किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को 3000 रुपये दिया हो तो बता दें, एक हैंडपम्प दिया हो किसी कार्यकर्ता को तो बता दें, किसी को किसी तरह से मोबिलाइज किया हो तो बता दें। इन्होंने केवल अपनी कमाई की है। अब इनका सच इस बार आ रहा है। 2 पंचवर्षीय हमारे रीवा का दुर्भाग्य रहा है कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, दिल्ली उल्ली में लोग हंसते हैं कि हम रीवा की जनता का दर्शन करना चाहते हैं जिसने इन सांसद को वोट दिया। सांसद जी को दिल्ली में पागल सांसद मानते हैं और रीवा के ऊपर हंसते हैं, हम सब की बेइज्जती होती है। तो इस बार जरूर परिवर्तन होगा, हम लोग कमर कस के लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को विजय मिलेगी। हमारे यहाँ एक अच्छा काम ये हो रहा है कि हमारे यहाँ जो भीतर घाती थे, जो दोनों तरफ मिले रहते थे, जो कचरा टाइप के थे, वो साफ़ हो रहे हैं। अब हमारी क्वांटिटी से बहुत मतलब नहीं, हमारी क्वालिटी बेहतर हो रही है। जो भी है अच्छे क्वालिटी के लोग हैं
और अगर अच्छी क्वालिटी है तो हम चुनाव में फतह हासिल कर लेंगे। धन्यवाद। कुकी मार रहे हैं अभी, कुकी नहीं, अभी कुकी पर नहीं मार रहे हैं, अभी हुआ हुआ भी बोलेंगे, हुआ हुआ। धन्यवाद। क्या आज जिला कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं की एक विस्तृत बैठक का आयोजन था, और बैठक का जो मूल उद्देश्य था वो 2024 के जो हमारे लोकसभा चुनाव है उनकी तैयारी था कि किस तरीके से हमको लोकसभा चुनाव में फतह हासिल करनी है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से चुनाव के लिए मुस्तैद है, हमने अपनी कार्य योजना बना ली है, ब्लॉक स्तर पर बैठक हमारी कल से आरंभ हो रही है, और इसके बाद हम सेक्टर मंडलम और बूथ स्तर तक जाएंगे और जगह जगह जाके हम जनता से संपर्क करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो रीवा के सांसद हैं जनार्दन मिश्रा, उनकी नाकामी से लोगों को परिचित कराएंगे। और एक मंथन से एक बात आई है, वो मंथन से एक बात आई है कि जिस तरीके से 23 वर्षों बाद हमने रीवा नगर निगम का महापौर कांग्रेस का बनाया, उसमें जो सबसे बड़ा कारण था वो था कि जनता ने रिमोट कंट्रोल से चलने वाला जेबी महापौर को मंजूर नहीं किया और ना मंजूर कर दिया, जनता ने ठुकरा दिया। उसी तरीके से जनार्दन मिश्रा भी यहाँ रबर स्टैंप है और जेबी सांसद हैं और रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, उन्होंने रीवा के लिए कोई काम नहीं किया और ईमानदारी का चोला ओढ़े रहे, जबकि उनके ऊपर तमाम किस्म के आरोप ऐसे हैं जो सांसद निधि के दुरुपयोग के हैं, उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, ये सब जनता के सामने लाए जाएंगे। ये चुनाव हम पूर्णतः उनकी नाकामी पे और एक सांसद का जो फर्ज है अपने ज़िले के प्रति, वो किस तरीके से उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र की उपेक्षा की और रीवा संसदीय क्षेत्र की उन्होंने कोई भी बात कभी लोकसभा में गूंजी नहीं, वो केवल राजेंद्र शुक्ला जी के इशारे पर यहाँ काम करते रहे। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो आया है इसमें ब्लैक मनी, और ये बोला जा रहा था कि 15 लाख रुपए हर लोगों को दे के वोट लिया गया, आप लोग कैसे ऐसे ना पाएंगे? देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है भारतीय जनता पार्टी का। अब ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें बोलना पड़ गया और इलेक्ट्रल चुनाव आयोग की जगह सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बोला। इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए ब्लैक मनी भारतीय जनता पार्टी ने ली है, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़े बड़े चंदे दिए हैं उनसे ये पता किया जाना चाहिए कि उनके पास इतनी राशि कहाँ से आई। जिस आदमी की निजी कमाई 1 रुपये है वो 10 रुपये चंदा दे रहा है, ये कैसे संभव है? ये बात की गहन जांच करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो ये मुद्दा है ये जन जन की दिमाग में बैठ चुका है, जनता को अब समझ में आ गया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनका पैसा लूट कर अपना खजाना भर रही है। शहर की सभी ज़मीनें गोल हो रही हैं धीरे धीरे करके, इसमें क्या कहेंगे? बच्चों के लिए कोई पार्क खेल भी जमीन नहीं बचेगी भैया, सब दे दे रहे हैं वो तो पुनर्घनत्वीकरण के नाम पर भूमाफिया को, वो ज़मीनें तो बेचे दे रहे हैं वो, तो बचेंगी कहाँ से? और जनता के बीच में यही मुद्दे लेके तो हम लोग चुनाव में गए थे और उसमें हम लोगों को काफ़ी जनता का समर्थन भी प्राप्त हुआ, पर भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्रकारी तरीके से चुनाव जीतने में कामयाब रही, पर जीत से ये बात जीत जाने से उनके गलत काम और ये ज़मीनों की जो बिक्री है और जो बदमाशी है, लूट है, इस पर कोई मुहर नहीं लग जाती, ये सच नहीं हो जाते, ये सही नहीं हो जाते अगर आप चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने से आपके गलत काम सही नहीं होते, वो गलत काम तो गलत काम है ही और वो कभी ना कभी इसका असर लाए।